हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ मूंग दाल के बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये पकौड़ों की रेसिपी। मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने मूंग दाल ली है और इसको मैंने एक घंटे पहले पानी में भिगोया था, और पानी में भिगोने के बाद इसका मैंने पानी अलग कर लिया है और अब इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो पेस्ट जो हमें दरदरा बनाना है, और मैं इसको एक ग्राइंडर जार में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को ग्राइंडर जार में डाल लिया। जार में डालने के बाद इसका हम बिना पानी डाले पेस्ट बनाएंगे पहले, और उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो बहुत ज्यादा इसका पेस्ट पतला नहीं बनाना, गाढ़ा पेस्ट बनाना है हमें। यहाँ पर मैंने बिना पानी डाले दाल को ग्राइंड किया था, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब इसका फिर पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने इसमें अभी थोड़ा ही पानी डाला है, तो हम इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो 1-2 टेबलस्पून और इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने दाल का पेस्ट तैयार कर लिया है, और पेस्ट हमारा ना तो बहुत ज्यादा पतला है ना बहुत ज्यादा मोटा, तो थोड़ा सा मैंने इसे दरदरा ही रखा है। ये देखिए, इस तरीके का पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। और अब इस पेस्ट को हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पेस्ट की। दाल के पेस्ट को बोल में निकाल लेने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ हरा प्याज। तो 1 कप के करीब हरा प्याज है। आप इसकी जगह पे नॉर्मल वाला भी प्याज ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन लिए हैं, साथ में बारीक कटे हुए हरी मिर्च। तो ये दोनों चीजें इसमें डाल देंगे, और साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ मैं काफी सारा हरा धनिया, और साथ में यहाँ पर डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार नमक। तो स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे यहाँ पर, 1/4 चम्मच से थोड़ा ज्यादा मैंने नमक डाला है यहाँ पर। लाल मिर्च का पाउडर, अगर आप ना डालना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। जीरा का पाउडर 1/2 चम्मच के करीब, और साथ में डाल रही हूँ 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, और सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर लेती हूँ सभी चीजों को। साथ में यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। तो 1/4 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने हल्दी का पाउडर डाला है, और अब मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। और ये पकौड़े बहुत हेल्दी तो हैं ही, साथ में टेस्टी भी हैं। इन पकौड़ों को आप सॉस के साथ, धनिया की चटनी के साथ, किसी के साथ भी खाइए, चाय के टाइम पर बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। इसका जो हमें पेस्ट तैयार करना है, बिल्कुल भी पतला पेस्ट तैयार नहीं करना, नहीं तो इसके अच्छे पकौड़े नहीं बन पाएंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तेल भी गर्म हो चुका है। तेल यहाँ पर हल्का गर्म है हमारा, तेल को मैंने बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया है, मीडियम गरम करना है हमें तेल को। और इसके पकौड़े अब डालने हैं इसमें। तो इस तरीके से मैं पकौड़े डाल रही हूँ छोटे छोटे बनाकर, छोटे छोटे इसके पकौड़े बनाने हैं, छोटे पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते खाने में। यहाँ पर मैंने पकौड़े डाल दिए हैं कढ़ाई में। तो देखिए, इस साइज के पकौड़े तैयार करने हैं। छोटे पकौड़े बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो सभी पकौड़े ऐसे ही फ्राई कर लेंगे अच्छा गोल्डन कलर आने तक। पकौड़ों पर बहुत अच्छा कलर आ गया है, देखिए। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं और बहुत अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो सारे पकौड़े बिल्कुल ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, ये देखिए। ये देखिए, हमारे मूंग दाल के
बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी हैं ये पकौड़े। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे मूंग दाल के पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। अगर आप छोटे पकौड़े बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, तो जब भी बनाएं तो पकौड़े छोटे छोटे ही बनाएं, तो इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी तैयार हो जाते हैं ये। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है और बनाने में बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि ये मूंग दाल के पकौड़ों की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।